21 दिन में पैसा डबल। ये भाई लक्ष्मी चीट फंड नहीं है जहां पर आपके पैसे डूब जाएंगे। तो यहां पर आपको ऑनलाइन अर्निंग के काफी सारे मेथड्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, इन सब जगह से भी आप पैसे कमा सकते हो, जहां पर आप सिर्फ चैटिंग या फिर पोस्ट वगैरह डालते हो। और सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू आएगा, जिसमें थोड़ी एडवांस चीजें बताऊंगा, जो कुछ सीक्रेट्स है वो आपको बताऊंगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये शेयरिंग वाले बता दूंगा, ये रेफर करके एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करके इनसे मतलब इस और यहाँ पर स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करके, आईपीएल चल रहा है इनमें पैसा लगाकर यहाँ पर आप टॉफी चॉकलेट जितने पैसे खरीदने के लिए पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बात करने वाला हूँ, प्रोफेशनली करियर बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यार आपको थोड़ी सी यार एक बात सुन लो मेरी इससे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर एक सेकेंड भी आपने स्किप करा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो को मैं काफ़ी पहले बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन जब तक मैं खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, मैं खुद उस चीज़ में कुछ देख नहीं लेता, तब तक मैं वीडियो नहीं बना सकता। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना दूँ कि आप स्कूल में टॉप कैसे कर सकते, क्लास में टॉप कैसे कर सकते, और मैं खुद फेल होता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो वो थोड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। देखो यार, ऑनलाइन आप कहीं से भी अर्न कर सकते हो, पहले इस चीज़ को समझ लो। चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी एक्स वाई जेड, बस आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, फिर आप कहीं से भी आप अर्न कर सकते हो। बस ऑडियंस आपको कहां से लानी है वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर शुरू करते हैं सबसे जीरो। आपके पास कुछ नहीं है, आप एक नॉर्मल बंदे हो, आपके पास ना कोई ऑडियंस है, और आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहली चीज आती है यूट्यूब। आपको पता है इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। यूट्यूब से आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो मोनेटाइजेशन के थ्रू, और भी काफी अलग से यहां पर तरीके होते हैं अर्निंग के, जिसमें आपकी मोनेटाइजेशन से ज्यादा उन चीजों से अर्निंग हो जाती है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा फ्री में कोर्स बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक दूसरा चैनल बना रखा है मैंने अर्न दबाकर, जहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस डलती है, फ्री कोर्सेज डलता है, फ्री वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स डलती है। तो ध्यान से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि के वर्ड है। यहाँ पर भी मैं आपको फ्यूचर में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, और भी जो मेरे सीक्रेट्स वगैरह होंगे वो यहीं पर शेयर करता रहूँगा, और फ्री में आपको बिगनर कोर्स वहाँ पर चलता रहेगा। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है ब्लॉगिंग। इसके बारे में आपने सुना होगा, आप वेबसाइट बना सकते हो, या फिर आर्ट, वेबसाइट और ब्लॉगिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। ब्लॉगिंग समझ सकते हो आप, ब्लॉगिंग के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी आप डाल सकते हो। जैसे कोई आपने हाउ टू डाल दिया, ट्यूटोरियल्स डाल दिया, कि अपने कुछ भी डाल सकते हो यार, कोई न्यूज़ डाल सकते हो, जो भी आप वेबसाइट वगैरह चेक करते हो, कुछ इस तरह की आप बना सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, kkword.in यहाँ पर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, इसके भी भाई साहब फ्री में कोर्स डाला हुआ है, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री में जाकर आप सीख सकते हो जीरो से, स्क्रैच से मैंने बताया, तो और कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। और अगली चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग आपको एक बार यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर लेना, मैं यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उसको आपको डीप में और सर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब ब्लॉगिंग का मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, फ्रीलांसिंग का मैंने कुछ ऐसा कोर्स वगैरह नहीं डाल रखा है, तो एक बार सर्च कर लेना। इसमें क्या होता है, आप किसी के लिए भी कुछ भी काम कर सकते हो, किसी को कोई आर्टिकल लिखवाना है, किसी को कुछ पेंटिंग बनवानी है, तो जैसे आप नॉर्मल कुछ भी आपको स्किल्स हैं उसका यूज़ करके आप दूसरे के लिए काम कर सकते हो। इस तरह से आपको कोई भी, जिसको भी काम करवाना होगा वो आपको हायर कर सकते हैं। ऐसे काफी सारी वेबसाइट है जहां पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो और वहां पर लोग आपको हायर करेंगे उस काम के लिए। अगर आप यहां पर वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छी करते हो तो वहाँ पर आप डाल सकते हो, लोग आपको अप्रोच करेंगे कि भाई हमारी ये वीडियो है, इसको एडिट कर दो, और बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें भी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, गूगल पर सर्च कर लेना फ्रीलांसिंग, और यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हो। तो ये एक तरीका। अब जो आगे बताने वाला हूँ उसके लिए चाहिए ऑडियंस। अब आपको ऑडियंस कहाँ से बिल्ड करनी है, सबसे इजी मेथड जो मैंने बताया शुरू के, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इन दो तरीके से आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, ऑडियंस ला सकते हो। फिर ऑडियंस आ गई, इनके बाद आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इनसे भी आप अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर ऑडियंस लाने का एक तीसरा तरीका और है, शॉर्ट वीडियोज़ बनाना। जैसे कि आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल टिकटॉक, तो इस तरह के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अगर आप वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो तो यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑलरेडी इंडिया में इतना कोरोना फैला हुआ है और आप वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, बंद करो। और इन शॉर्ट वीडियोस में भाई एंटरटेनिंग वीडियोस ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज वाली वीडियो मैंने बनाकर देखी है, लगभग 3 लाख फॉलोवर्स हो गए थे मेरे टिकटॉक पर, तो यहाँ पर नॉलेज वाली वीडियो बनाता था और काफ़ी मेहनत के बाद हुए थे, और वहाँ पर 3 लाख यहाँ पर
3000 सब्सक्राइबर के बराबर है यूट्यूब पर, तो इस तरह का कुछ मैटर रहता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार, आप ये शॉर्ट वीडियोस वगैरह वहाँ पर जाकर कुछ इस तरह का बनाओ, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस, आप कर सकते हो तो एक बार वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ऑडियंस आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और जहाँ पर भी काम कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, यूट्यूब, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस आ चुकी है। अब वहाँ से आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो, वो एफिलिएट अर्निंग। तो यहाँ पर आप एफिलिएट किसी भी प्रोडक्ट हुआ या फिर किसी भी सर्विस का आप प्रमोशन कर सकते हो, एफिलिएट अर्न कर सकते हो, एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हो। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दो, अमेज़न पर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ, प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, मैं कहूँगा उसको बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब उससे जो भी जाकर बाय करेगा उसमें कुछ कमीशन हमें मिल जाता है। तो इस तरह से एफिलिएट वर्क करता है। अब ऐसा नहीं कि आप एफिलिएट अर्न अकाउंट बनाकर यहाँ पर लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तो इस तरह से आपको कमीशन कुछ नहीं मिलता। आपको जेन्युइनली यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर कर रहे हो या फिर कुछ इस तरह से कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फैमिली मेंबर के साथ लिंक शेयर कर दी तो इस तरह से यहाँ पर एफिलिएट से अर्न नहीं होता है। आपको एक जेन्युइनली जगह पर शेयर करना पड़ेगा पब्लिकली, जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। अब ऑडियंस है आपके पास तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरा तरीका हो सकता है स्पॉन्सरशिप्स, आपको किसी वीडियो के लिए यहाँ पर पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि अभी सेल्स वगैरह चल रही है यहाँ पर फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की, तो ये क्या करेंगे, यूट्यूबर्स को अप्रोच करेंगे, उनको पैसे देंगे कि हमारी ये वीडियो बना दो, हमारी सेल वाली, वो पैसे देंगे आप वीडियो बनाओगे। तो इस तरह से आप स्पॉन्सरशिप से काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और तीसरा तरीका है वो है रिव्यू यूनिट्स। आपको यहाँ पर जैसे आप फैशन ब्लॉगर हो या फिर फैशन यूट्यूबर हो, तो यहाँ पर आपको आपको कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको ग्रूमिंग वगैरह के प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, आपको परफ्यूम कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर आपको रिव्यू यूनिट्स मिलती रहेगी, उनकी बस आपको वीडियोस डालनी होगी यूट्यूब पर और वो प्रोडक्ट्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से रिव्यू यूनिट से भी आप काम चला सकते हो और काम आपका बन सकता है, और घर आपकी बेसिक आपकी ज़रूरतें वहाँ से भी पूरी हो सकती है। और भाई ऑडियंस है तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो, टेलीग्राम से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप अर्न नहीं कर सकते हो। अब ये ऑडियंस आपके पास आ चुका है और आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, तो उनसे और कैसे अर्न करना है, तो इसके मैं एक पार्ट टू बनाऊंगा और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे भी ज़्यादा मैं और टेक्निक्स बता सकता हूँ अर्निंग के। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, अर्न दबाकर, और ये वाला भी चैनल। और यहाँ पर देखो यार, एक मंत्र बताने वाला हूँ, वो है मेरे यहाँ पर लंबे आपको खेलना है तो इसको करियर बनाना है, आगे तक लेके जाना है, तो यहाँ पर तीन मंत्र है उसका, वो है पेशेंस, वो है टाइम, और वो है टीम। और टीम वर्क में आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो गया। भाई टीम बनाओगे तो पैसा तो इन्वेस्ट करोगे, तो इस तरह से तीन है। आपका पेशेंस होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आज शुरू कर दिया और मेरे पास मैसेज आते रहते, कमेंट आते रहते, मैंने चैनल शुरू करा है, मैंने इतनी वीडियो डाल दिए, इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हो रहा, भाई हेल्प कर दो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी, कितना भी टाइम लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकता है, दस साल भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। आपको पेशेंस रखना होगा, अपने पर विश्वास रखो, टाइम आपको लग सकता है, तो सबसे बड़ी बात है पेशेंस। दूसरा टाइम, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उस चीज़ को, वो उतना ज़्यादा आपका बढ़िया हो सकता है, ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है और ज़्यादा आप लंबा खेल सकते हो। और तीसरी चीज़ है वो है टीम वर्क या फिर इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा उस काम पर इन्वेस्ट करोगे और जितना ज़्यादा आप टीम बनाओगे, टीम वर्क के साथ आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। बस इन तीन चीज़ों को ध्यान रखना, ये आपके बाद में काम आएगी जब इन पर आप सक्सेस हो जाओगे, तो इन चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया, इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, और इनके दोनों के यहाँ कोर्स डाल रखे, सबसे पॉपुलर चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर फ्री में सीख सकते हो। इन ऐसे कोर्सेज जो है वो पेड आते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो जाकर आप देख सकते हो। चल सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियोज़ देख रहे हैं आप, ये वीडियोज़ भी देख सकते हो।